अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से पूछा गया है, द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग। मतलब ये रिजर्वायर वाला क्वेश्चन है बेसिकली। ये इरिगेशन का भी हो सकता है, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी हो सकता है। इन्होंने चार ऑप्शन दिए हैं, क्यूबॉइडल फार्मूला, सिलिंड्रिकल फार्मूला, प्रिज्माइडल फार्मूला, कॉनिकल फार्मूला। आंसर है इसका सी, प्रिज्माइडल फार्मूला। हम थोड़ा देखेंगे कि ये किस तरह से होता है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अ रिजर्वायर। किसी रिजर्वायर की स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ रिजर्वायर। इसमें ये जितना भी पानी भरा हुआ है, ये इसकी क्या कहलाती है, स्टोरेज कैपेसिटी कहलाती है। ठीक है, अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल लेट से आप यहाँ पे क्रॉस सेक्शन काटते हैं, तो मे बी वो सेक्शन आपको इस तरीके का दिखाई पड़े। तो बेसिकली अगर मैं तीन सेक्शन लूँ, लेट से मैंने एक सेक्शन ये ले लिया यहाँ पर, एक सेक्शन मैंने दूसरा यहाँ पे लिया और तीसरा सेक्शन यहाँ पे लिया, तो आप इधर देख पा रहे होंगे ये हो गया हमारा पहला सेक्शन, ये हो गया हमारा दूसरा सेक्शन और एक ही हो गया हमारा थर्ड सेक्शन। तो इनका जो एरिया है वो आपने कैलकुलेट कर लिया किसी टेक्निक से, और ये हो गई आपकी टोटल लेंथ। तो ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है 1/6 a1 4 am a2 e2 l, ठीक है, तो ये होता है बेसिकली प्रिज्माडल फॉर्मूला। ये सेक्शन आपके कितने ही नजदीक हो सकते हैं, कितने ही दूर हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि ये जो साइड में जो स्लोप दिया हुआ है इसका मतलब यहाँ पे वेरिएशन कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में वेरिएशन कितना है। तो दिस इज बेसिकली प्रिज्माडल फॉर्मूला। अगर हम थोड़ा सा और डीप में जाएं कि प्रिज्माइडल फॉर्मूला क्या होता है, तो हमें ये सीखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देख लीजिए प्रिज्म क्या होता है। ये बेसिकली प्रिज्म है, ये ट्रायंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर है, ये सिलेंड्रिकल है। इसमें क्या है, जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है वही क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे है, और साइड भी सारी सेम है, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये नीचे और ऊपर तीनों सेम है। रेक्टेंगुलर प्रिज्म हो गया, सिलेंडर हो गया, मतलब कि ऊपर का क्रॉस सेक्शन और नीचे का क्रॉस सेक्शन एग्जैक्टली सेम होता है। लेकिन जो प्रिज्मॉइड होता है, प्रिज्मॉइड में ऐसा नहीं होता, जो नीचे का क्रॉस सेक्शन है और जो आपका ऊपर का क्रॉस सेक्शन है उसकी जो डायमेंशंस है उनमें चेंज हो सकता है। तो दिस इज बेसिकली अ प्रिज्मॉइड। तो अब हम आते हैं क्यूबॉइडल फॉर्मूला पे। अब हम ये देखना चाहते हैं क्या ये हमारा जो क्यूबॉइडल फॉर्मूला है क्या वो इस केस में लग पाएगा। अब आपकी क्यूब का फॉर्मूला आप सभी को आता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ ब्रेथ हाइट। अब इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया या इसका वॉल्यूम इतना सिंपल नहीं होता कि आप सिंपल LBH का फॉर्मूला लगा के वॉल्यूम निकाल सकते। हाँ, अगर आप किसी कहना चाहिए स्विमिंग पूल का निकाल रहे हैं तो वहां पे डायमेंशंस एग्जैक्ट होती है, वहां पे इस तरीके के फॉर्मूले लग सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्मूला, प्रिज्माडल फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। दूसरा है सिलिंड्रिकल फॉर्मूला। तो सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगता है, ये जो आपका सिलेंडर है इस तरीके का वॉल्यूम हमें यहाँ पर कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उस सिलिंड्रिकल फॉर्मूला लगाने का कोई पर्पस नहीं बनता है। वॉल्यूम आप जानते हैं, वॉल्यूम होता है πr²h। तीसरा है आपका कोनिकल फॉर्मूला। अब आप कोनिकल फॉर्मूला जानते ही हो, 1/3πr²h। अब यहाँ पे कहाँ से तो कोण बन रहा है, मतलब इररिलेवेंट सा, मतलब ये हमारा एक ऑप्शन है, तो ये भी हमारा एक ऑप्शन नहीं बनेगा। तो हमारा फाइनल जो आंसर हो जाता है, जो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बताया था, फाइनल आंसर है आपका प्रिज्माडल फॉर्मूला। स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर कैन बी एस्टिमेटेड बाय यूजिंग प्रिज्माडल फॉर्मूला।